तो ये हमारी नॉर्मल वेनिला माइनक्राफ्ट जिसमें अभी कोई मोड नहीं है, लेकिन आज मैं इस गेम में बहुत सारे मॉड्स डाउनलोड करके इसको एकदम अल्ट्रालिस्टिक गेम बनाने वाला हूँ, जिसको देख के लगेगा इन्हें माइनक्राफ्ट में है। लेट्स गो। तो सबसे पहले हमको चीज चेंज करनी थी, वो थी भाई इसके ग्राफिक्स। लिटरली भाई ये क्या है, ये सैंड है, लग भी नहीं दी भाई किसी एंगल से। मतलब इसके टेक्सचर चेंज करने थे भाई। अब देखो भाई साहब क्या मस्त लग रहे हैं। अब एक बार आप सैंड को चेक करो भाई, कितनी खतरनाक लग रही है। सैंड छोड़ो भाई, टॉर्चेस को देखो कितनी खतरनाक लग रही है, एकदम मशाल ही होगी भाई ये तो। भाई साहब इस वीट को देखो कितना खतरनाक लग रहा है, मजा आ गया भाई। तो इसके टेक्सचर तो हमने रियलिस्टिक कर दिए, लेकिन जो आसमान है जो कि कुछ भी नहीं भाई ऊपर, तो आसमान को खतरनाक बनाने के लिए मैंने इसमें लगाया ड्रामेटिक स्काई। और आप ऊपर चेक कर सकते हो बादल आ गए जो कि रियलिस्टिक लग रहे हैं भाई। भाई साहब ग्राफिक्स को चेक करो एक बार, ये पेड़ देखो कितना रियलिस्टिक लग रहा है, लीव्स को तो देखो भाई। और ये तो बस अभी शुरुआत है भाई, गेम और भी खतरनाक होगी। जैसा कि आपको पता है माइनक्राफ्ट में ग्रेविटी नाम की जो चीज ही नहीं है, लिटरली भाई ये पेड़ हवा में उड़ रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया फिजिक्स मोड। अब मैं जैसे इस पेड़ को तोड़ूंगा ये लिटरली भाई पूरा पेड़ झड़ जाएगा और नीचे गिर जाएगा। अब मैं टेंटे को यहाँ फोड़ के दिखाता हूँ आपको कितना खतरनाक लगेगा भाई ये। यहाँ देख सकते हो कितना ओपी, ओ भाई साहब क्या खतरनाक ब्लास्ट हुआ है, सारी मिट्टी यहाँ गिर गई। और इसी चीज को थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए मैंने इसमें रियलिस्टिक आइटम ड्रॉप भी डाला है। जैसे मैं कुछ भी फेंकूंगा यहाँ कितने खतरनाक तरीके से गिर रहा है ये देख सकते हो भाई। फ्लोट भी क्या मस्त लग रही है भाई, ये हवा में फ्लोट करने से तो बढ़िया ये भाई। अब इसमें कुछ खतरनाक एनिमेशन की कमी थी और उसको पूरा करने के लिए मैं कुछ मॉड्स डालता हूँ जिससे एनिमेशन बहुत खतरनाक हो जाएंगी। अब यहाँ पे मॉब्स की एनिमेशन बहुत खतरनाक हो चुकी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक विलेजर को मारता हूँ, यहाँ देख सकते हो कितना खतरनाक तरीके से भाग रहे भाई ये। अरे अरे इसको छोड़ के चला गया हूँ। अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे एक ज़ॉम्बी स्पॉन करके दिखाता हूँ, इनके एनिमेशन देखो भाई कितनी खतरनाक लग रही है। वॉकिंग स्टाइल देखो भाई साहब। अभी मैं आपको इनका फाइटिंग एनिमेशन दिखाता हूँ जो कि बहुत खतरनाक है भाई। सबसे पहले यहाँ पे स्पॉन कर लेता हूँ मैं थोड़े बहुत और स्केलेटन्स को भी। अब मैं जाता हूँ सर्वाइवल में चेक करना मारते कैसे हैं। ये देख भाई लिटरली घुसों ने मार रहे मुझे ये। भाई रात में स्काई देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, लिटरली भाई स्टार्स भी है यहाँ पे। तब मैंने एक ऐसा मोड डाउनलोड किया है जिसमें आसपास की आवाज़ें बहुत ही खतरनाक और रियलिस्टिक हो जाएंगी, लिटरली हर एक चीज की आवाज़ खतरनाक हो जाएगी। एग्जांपल के लिए मैं आपको इस स्वॉर्ड की आवाज़ सुनाता हूँ पहले। देख तो कितनी खतरनाक लग रही है और आपको हल्की हल्की आवाज़ तो आसपास की आ ही रही हो जैसे इंसेक्ट्स और इसकी। यहाँ पे अगर ध्यान से आप सुनोगे तो आपको सारी आवाजें सुनाई देंगी, लिटरली बर्ड्स की आएगी आपको आवाज, फिर हवा की आएगी, एनिमल्स की आएगी, विलेजर्स की आएगी। तो इससे माइनक्राफ्ट का एक्सपीरियंस बहुत रियलिस्टिक हो जाता है। और अब माइनक्राफ्ट के जो कैमरा एंगल्स थे वो लिटरली बहुत ही घटिया थे, मतलब रियलिस्टिक नहीं थे, और उनको चेंज करने के मैंने एक ऐसा मोड डाला जिससे कैमरा एंगल्स बहुत रियलिस्टिक लगेंगे। अब देखो जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ मेरे कैमरा एंगल्स को चेक करो भाई, मतलब ये रोटेट हो रहे हैं, लिटरली रोटेट हो रहे हैं। थर्ड पर्सन में जाके थोड़ा हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, बट ये फर्स्ट पर्सन में ज्यादा बेटर होंगे। यहाँ देख सकते हो वॉकिंग में भी कितना खतरनाक लग रहा है। यहाँ पे बारिश की आवाज सुनो भाई कितनी खतरनाक लग रही है। और आपको कुछ और एनिमेशन दिखाता हूँ मैं, जैसे यहाँ देख सकते हो फर्स्ट पर्सन कितना इंप्रूव हो चुका है। चलते वक्त देखो इतना खतरनाक लग रहा है, दोनों शॉट्स पकड़ी हुई है मैंने। और ये एनिमेशन और मोड्स की वजह से वेदर देख सकते हो कितना खतरनाक लग रहा है भाई, एकदम रियलिस्टिक वाइब आ रही है। और वेदर से मुझे याद आया मैंने इसमें बहुत खतरनाक मोड डाला है वेदर से रिलेटेड। मैं इसमें लिटरली समन कर सकता हूँ सैंडस्टॉर्म, टोर्नेडो और स्टॉर्म लाइटनिंग। सबसे पहले टोर्नेडो को स्पॉन करके देखते हैं। ओ भाई साहब तो यहाँ पे टोर्नेडो आने वाला है बहुत जल्द। तो यहाँ देख सकते हो ये टोर्नेडो फॉर्म हो रहा है, लिटरली भाई आप आवाजें और ये सब सुनो कितनी रियलिस्टिक लग रही है। तो यहाँ टोर्नेडो स्पॉन, ओ भाई साहब विलेज उड़ गया लॉल। और आयरन गोलम भी, और ये क्या उड़ रहा है, जहाँ पे टोर्नेडो आया वहाँ का सब कुछ साफ हो रहा है, लिटरली भाई ग्रास ब्लॉक्स ये सब जा रहा है। ओ भाई साहब ये देखो कितना रियलिस्टिक लग रहा है भाई ये। एक काम करते हैं इस विलेज में स्पॉन करके देखते हैं। हम यहाँ पे स्पॉन करेंगे सैंडस्टॉर्म, बट आई थिंक वो यहाँ पे नहीं डेजर्ट में आएगा, तो स्टॉर्म हेल ट्राई करते हैं। ओ भाई साहब लाइटिंग, ओ भाई साहब तो यहाँ देख सकते हो बर्फ गिरने लग पड़ी है भाई, लिटरली बहुत खतरनाक लग रहा है ये। उस तरफ टोर्नेडो आ रहा है, यहाँ पे हेल स्टॉप गिर रही है। ओ भाई एकदम टोर्नेडो को चेक करो लॉल। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ डेजर्ट बायोम में, और भाई अब यहाँ पे स्पॉन करेंगे हम सैंडस्टॉर्म। कहाँ पे फॉर्म हो रहा है भाई, आवाज तो आ रही है। अरे ये आ रहा है क्या, ओ भाई साहब देखो फॉर्म हो रहा है ये, इतना खतरनाक रियलिस्टिक लग रहा है भाई। भाई साहब ये है भाई गेम, भाई साहब अब लग रहा है कुछ खतरनाक खेल रहे हम। भाई सूरज को देखो कितना खतरनाक और मस्त लग रहा है भाई देखने में ही। भाई साहब वेदर चेक करो भाई, आसमान देखो, ग्राफिक्स देखो भाई, भाई बहुत प्यारी लग रही गेम। फिलहाल इन सबको किल कर देते हैं क्योंकि हमें और भी बहुत चीजें ट्राई करनी है अभी। और जैसे आपको पता माइनक्राफ्ट में हम 360 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते, और उसको फिक्स करने के लिए मैंने ऐड किया इसमें बेटर थर्ड पर्सन। तो मैं अपने हिसाब से 360 डिग्री कहीं भी रोटेट कर सकता हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। इससे हमारा जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा रियलिस्टिक हो जाता है और ये देखने में बहुत तगड़ा लग रहा है। वैसे हमारी जो मेन चीज है वो शेडर, वो मैंने अभी तक लगाई नहीं क्योंकि मेरा पीसी इतना कुछ खास नहीं है, तो उनको एंड में लगाएंगे। वैसे आपको दिखा देता हूँ कैसा लगेगा शेडर के साथ। तो शेडर मैंने यूज किया BSL जो कि बहुत तगड़े लग रहे हैं। यहाँ देख सकते हो पानी में कितना रियलिस्टिक लग रहा है, और यहाँ पे फिर से तूफान आने लग पड़ा क्या। और भाई आप एक बार ये चेक करो भाई कितना खतरनाक लग रहा है रियलिस्टिक आइटम ड्रॉप हमारा, लिटरली पानी के नीचे के बैठ जा रहे हैं वो, जो कि असलियत में होता है भारी चीजों के साथ। एक काम करते हैं विलेजर को मार के देखते हैं। कहाँ भाग रहा है वो भाई साहब, क्या खतरनाक भाग रहा है ये ले भाई। अरे इसकी तो लाश अंदर चली गई। हाँ वे
आओ यार, अरे गायब होगी। तो मेन चीजें जो गेम को रियलिस्टिक बनाती है वो हमने इंस्टॉल कर ली है ओवरवर्ल्ड में, और अब कुछ खतरनाक चीजें हम इंस्टॉल करेंगे एंड और नेदर में। बट उसके लिए मुझे अपना जो है वर्जन डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मोड लेटेस्ट वर्जन के लिए नहीं है। लेट्स गो। अभी मैं आ चुका हूँ लोअर वर्जन में, और इसमें मैंने दो तीन चीजें ऐड की हैं ओवरवर्ल्ड के लिए। सबसे पहले तो यहाँ अगर इन्वेंटरी में देखोगे यहाँ पे बहुत सारी नई चीजें आई हैं। मैंने गेम में कुछ कस्टम मॉब्स ऐड किए हैं, और यहाँ पे पीछे देख सकते हो कौवा उड़ रहा है। लिटरली भाई ये कौवा है, ये देखो भाई काव काव कर रहा है। तो मैं आपको एनिमल डिक्शनरी दिखा देता हूँ। तो इस मोड का नाम एलेक्स मॉब। यहाँ पे ये सब एनिमल स्पॉन हो जाएंगे कहीं भी, वाटर वाले वाटर में और पानी वाले पानी। अरे सिद्ध मुस्से वाला, अबे साले। तो मैं आपको अभी सारे मॉब्स तो शोकेस करूंगा नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। और इन मॉब्स के साथ हमको कुछ नए नए आइटम्स भी मिलते हैं, जो कि आई थिंक बना सकते हैं इनको, और खाने पीने का तो सामान होगा ही ऑब्वियसली। यहाँ देखो कितने सारे हैं भाई, लिटरली बहुत सारे हैं। जैसे आपको तो माइनक्राफ्ट की जो विलेजेस है वो लिटरली बहुत छोटी है, मुश्किल से 5 घर होते हैं उसमें, वो भी इतने इतने से। और उसको फिक्स करने के लिए मैंने इसमें ऐसा मॉड डाला जिससे जो विलेजेस है वो बहुत ही खतरनाक हो जाएंगी। ये देखो भाई साहब क्या खतरनाक लग रही है, लिटरली भाई कोठी बंगले वाले हो गए सारे विलेजर्स, अमीर रिच। ये तो भाई एकदम अपार्टमेंट ही लग रहा है पूरा, लग के रहा है मेरे ख्याल से वही है भाई ये, यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पे हाथी बाती भी है, जैसे कि आपको बोला कस्टम मॉब्स ऐड किए मैंने। बाकी विलेज को चेकआउट करो भाई, क्या ओपी लग रही है ये। इसी बात पे इस विलेज को पेल देते हैं। कहाँ भाग रहा है भाई तू? और ये देखो भाई इनको कोई स्ट्रक्चर बना रखा है इन्होंने, एक्स है ना ये, हाँ, जो कि मस्त लग रहा है भाई। भाई यहाँ पे क्या खतरनाक मॉब्स आ चुके हैं, देखो रेंडियर और वहाँ पे हाथी है, और हाथी मेरे साथी। और भाई खतरनाक आवाज निकाल रही है तू। अरे छोटू कहाँ भाग रहा है? इधर। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी बायोम्स भी ऐड करके रखी, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी बायोम्स है। यहाँ पे मैं जा नहीं सकता पता नहीं क्यों, क्योंकि लोकेट नहीं कर पा रहा मैं, बट ये भी रैंडमली जगहों में स्पॉन हो जाएंगी। बहुत सारी बायोम्स है भाई यहाँ पे, यहाँ देख सकते हो कोल्ड डेजर्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, डीप बायू है, ये क्या है भाई, डेंस मार्श, बहुत कुछ है भाई। और इस वाले मोड का नाम है बायोम्स ऑफ प्लेंटी, आपने सुना ही होगा। तो अब टाइम आ गया था एंड और नेदर को देखने का, उसमें भी बहुत चेंजेस किए मैंने। वैसे ये पोर्टल बहुत खतरनाक लग रहा है, थोड़ा रियलिस्टिक वाली फील आ रही है, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, बट लेकिन इसका ये देखो भाई पोर्टल का ये मस्त लग रहा है। तो चलो तो ये आ चुका मैं नेदर में, तो ये अभी से बहुत खतरनाक लग रहा है भाई, वाइब देखो कितनी खतरनाक आ रही है। यहाँ पे वैसे ज्यादा कुछ चेंजेस होंगे नहीं, छोटे मोटे चेंजेस होंगे, जैसे कि ड्रिप स्टोन्स वगैरह लग गए होंगे, ये नुकीली चीजें, और थोड़े बहुत ऐसे छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स आ गए होंगे। बायोम्स भी इसमें ऐसे बहुत सारी ऐड हुई है, यहाँ पे देख सकते हो ग्रेवल डेजर्ट, ये क्या चीज है। तो ये लोकेट नहीं हो रही, वही प्रॉब्लम आ रही है, बायोम्स इसमें आई होंगी बहुत सारी नई नई। अरे ये क्या चीज है भाई, अरे लॉल मैं डर गया था लिटरली। अरे भाई साहब इसकी आवाज सुनो, और ये क्वाला है क्या, अरे बहुत क्रीपी आवाज निकाल रहा है। हाँ भाई एनिमेशन तो बढ़िया भाई चलने की, देखो। तो एक बायोम ये आई है, आई डोंट नो कौन सी बायोम है ये, नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसी बहुत सारी बायोम इसमें ऐड होगी होगी, ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने दिखा रहा। अब चलते हैं हम एंड में। और भाई साहब वेल है ना ये, हाँ नहीं, हाँ वेल ही तो है ये, क्या बात है भाई, और ये कहाँ स्पॉन कर दिया मुझे। अब मैं आ चुका हूँ एंड में, और भाई एंड बहुत खतरनाक हो गया होगा वो, भाई साहब क्या लग रहा है भाई, ये देखो भाई यही ऐसा इतना खतरनाक है, तो एंड सिटी कैसी होगी वो। तो मैं आ चुका हूँ एंड सिटी के पास, और ये कौन सी बायोम है, ओके ये नई वाली बायोम है जो कि बहुत क्रीपी और खतरनाक लग रही भाई। और ये देखो नया वाला बर्ड भी है ये कोई एंड वाला। यहाँ पे बहुत सारी नई बायोम्स ऐड होगी होगी, आई थिंक 10 से 15 बायोम्स ऐड होंगी। ये वाली बायोम का नाम तो मुझे पता नहीं, पता तो मुझे किसी का भी नहीं है, लेकिन भाई इसको चेकआउट करो भाई, ये देखो क्या खतरनाक लग रहा है ये पेड़, कौन सा पेड़ है भाई ये इतना मस्त। और ये शेल्डर पैक और टेक्सचर पैक की वजह से बहुत रियलिस्टिक वाइब आ रही है। तो ये थे कुछ मॉड जो हमने इंस्टॉल किए इस गेम में माइनक्राफ्ट को रियलिस्टिक बनाने के लिए, और लिटरली पूरी गेम चेंज कर दी है। मैं नो क्यूब भी डालता लेकिन भाई उससे माइनक्राफ्ट वाली वाइब नहीं आती, तो समझ रहे ना फीलिंग्स को समझो भाई। तो कमेंट करके मुझे बताना कैसे लगी आपको वीडियो, और आज के लिए आई थिंक इतना काफी रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।